हाँ जी नमस्ते। देखते हैं आज, देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये बहुत ही कातिल रूप से इंटरेस्टिंग पार्ट है कैपिटल मार्केट का। किसका? कैपिटल मार्केट का। किसका? कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट क्या होता है, आपको क्या पता है कैपिटल मार्केट में? कैपिटल मार्केट मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसेज अवेलेबल कराता है, मतलब 3 साल से ज्यादा। और ये जो फाइनेंसेज अवेलेबल कराते हैं, ये मोस्टली आप देखोगे कि डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं। और इसी कैटेगरी में बहुत सारी बैंक्स हैं। अभी जो 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 बैंक्स है वो है, जैसे नाबार्ड आपका है, सुना होगा, है ना, सिड भी है, अभी सबके बारे में हल्का हल्का मैं बता दूंगा। और आपने अभी अभी जो करंट न्यूज में रह रही है मुद्रा बैंक, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। इनको दूसरे शब्दों में डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बैंक्स। और ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है, ये नेशनल लेवल पे हो सकती है, ये स्टेट लेवल पे हो सकती है ना। अभी आप बोलोगे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हो गई? इंटरनेशनल लेवल पे आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक्चुअली वर्ल्ड बैंक इज अ डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है कि नहीं? अभी चाइना की AII भी बहुत न्यूज में रहती है ना, ये न्यूज में रहती है। ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये सब के सब इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पे ये जो सारी मैंने बताई, और इंडिया में स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी आपकी डेवलपमेंट बैंक्स है। ये बैंक्स क्या है कि एग्रीकल्चर हो, है एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के भी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है, और ये रिफाइनेंस भी कर सकती है। अब आप बोल रहे ये रिफाइनेंस क्या बोला है? अरे भाई, आपको मान लो कोई बैंक किसानों के लिए इंडस्ट्री लगाने के ऊपर बहुत पैसा लगा, बहुत लोन दे रही है। अब इस बैंक को, अभी इस बैंक को ही कोई लोन दे दे, इस बैंक ने फाइनेंस किया, भाई लोन देने को फाइनेंस ही तो कहते हैं। कॉल नहीं आती आपको बजाज ऑटो वाले से कि सर आपको बाइक दिला दें, आपका बड़ा सपना था एकदम बाल उड़ा के बाइक चलाने का, आप बोलते हो ठीक है दे दो, आपको बाइक मिल गई। फिर इस बैंक को अगर कोई इस बैंक को ही फाइनेंस करते, इस बैंक के जितना भी ऑटो का जो लोन गया उसको फाइनेंस करते, तो क्या हो गई? वो रिफाइनेंस हो गई ना। तो ये रिफाइनेंस का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये जनता मतलब पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं लेती है। अगर पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेने लगी तो क्या हो गया, तो इनका जो एक्चुअल ट्रू डेफिनेशन है उसमें से ये लोग बाहर हो जाएंगे। तभी हम देखेंगे कि IDBI एक्चुअली डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक ट्रू सेंस में है या नहीं है, ये देखेंगे हम। अच्छा, इनका कोई भी ओनर हो सकता है, डेवलपमेंट बैंक जो होती है उनका कोई भी ओनर हो सकता है। मैं इसको डिलीट मारता हूँ। कोई भी ओनर, तो गवर्नमेंट प्रमोटेड भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रमोट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक है उनको क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, ठीक है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप देखोगे ये कंट्री लेवल पे, मतलब कंट्री लेवल पे मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना है, कंट्री लेवल पे एक फाउंडेशन रखना है इंडस्ट्री का, तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बैंक की बात बस की बात नहीं है, ठीक है। बड़ा बड़ा इनका बहुत बड़ा कैपिटल बेस होता है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आके मिलके इसमें पैसा लगा के और फिर ऐसा करते हैं, ऐसा फैसिलिटेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो। अगर इंडिया में आप देखेंगे ना, तो 1931, मतलब जब हम अभी भी अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय जो बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी थी, BEC, इस बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया था। भाई कमेटी का काम तो सिर्फ सिर्फ रिकमेंड करना है ना, वो तो सिर्फ रिकमेंड कर देते हैं और घर चले जाते हैं, बाकी का काम तो गवर्नमेंट को एक्ट करना है। इसने रिकमेंड किया था कि इंडिया में डेवलपमेंट बैंक्स होने चाहिए। अभी आप बोलोगे 1931 में क्यों किया गया, आपको अमेरिका का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन याद है,
क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन आया था और उसका इंडिया की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा था, है ना? पड़ा था कि नहीं पड़ा था? ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप ये समझो कि डेवलपमेंट के बैंक के लिए रिकमेंडेशन उस समय की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1949 मतलब आजाद होने के बाद क्या हुआ, आरबीआई ने एक डिटेल्ड स्टडी करी, आरबीआई की स्टडी, डिटेल्ड स्टडी, और इन्होंने रियलाइज किया कि हाँ भारत में डेवलपमेंट बैंक का बहुत ही जरूरी है। और आपको पता हो तो 1949 में ही आईएफसीआई की स्थापना हुई। क्या नाम था इसका? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन था ना, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हो गई आईएफसीआई। तो ये आईएफसीआई जो है ये ओनली स्पेशलाइज्ड एजेंसी डेवलपमेंट के मामले में गवर्नमेंट की रही। कब तक? 1955। बहुत बड़ा साल था आपको बताओ कि ये जो मतलब उस समय इस जस्ट देश के आजाद होने के कुछ सालों बाद तक, 5-6 साल तक आपकी ये इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल रही। 1955-56 के अंदर एक नया इंस्टीट्यूशन, इसका रोल लिमिटेड रहा इसलिए एक नया इंस्टीट्यूशन बना गया और उसका नाम था, आप सब जानते हैं आज, आईसीआईसीआई। इसका फुल फॉर्म था, एक्चुअली फुल फॉर्म ही था इसका नाम, इंडस्ट्रियल, सबको पता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना आईसीआईसीआई। तो ये दूसरा डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक इंडिया के अंदर कौन सा हो गया? आईसीआईसीआई। इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल, ठीक है? वैसे स्टेट लेवल में भी 1951 में एक लॉ पास किया गया था कि स्टेट लेवल पे भी कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखो, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था, आपको पता होगा, मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 था, वो इंडिया का एक्चुअली इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन था कब तक? 1991 तक, इफ नॉट 1991, 1980 तक तो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन थी वही थी। और आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में हमारा फोकस जो था वो एक कमांड इकोनॉमी की तरफ चला गया, हमने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने की सोची, और इसी पब्लिक सेक्टर के प्रमोशन में इंडस्ट्री का प्रमोशन था, और इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड बैंक चाहिए थी, और वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स आप देखोगे तो ये दो स्पेशलाइज्ड बैंक्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत की, जो भी वॉट एवर इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत का हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। फिर 1958 में रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसने सेटअप किया? ये आरबीआई ने और एलआईसी ने और कुछ कमर्शियल बैंक्स ने मिलके इसका 1958 में रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आया, ठीक है? और आपको बताया कि 1964 में, 1964 के अंदर आपका आ गया आईडीबीआई, द मदर ऑफ ऑल, मदर एंड फादर ऑफ ऑल डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो आईडीबीआई, देखो आईडीबीआई को स्टोरी जाने बिना मतलब इंडिया की डेवलपमेंट बैंक्स का और स्पेशली इनका स्टोरी अधूरा है, अनअकेडमिक भी है। आईडीबीआई 1964 में जब इसका गठन हुआ तो आरसीआई को इसमें मिक्स कर दिया गया, रिफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इसमें मिक्स कर दिया, और फिर आईडीबीआई का रोल चाहे इंडिया में एनएससी को डेवलपमेंट करने में, एनएससी को डेवलपमेंट करने में, या एनएसडीएल के अंदर पैसा लगाने में, या फिर आपका सिडबी, ये सब में आईडीबीआई का रोल रहा। आईडीबीआई का रोल बहुत बड़ा है इंडिया के जो फाइनेंशियल स्टोरी है उसके अंदर, ठीक है? और आईडीबीआई, लेकिन अजीब बात है कि आईडीबीआई एज ए डेवलपमेंट बैंक शुरू हुआ और इसका रोल आज भी डेवलपमेंट में है, लेकिन ये अभी मतलब अपना जो डेवलपमेंट बैंक का जो स्टेटस है वो खो चुका है, क्योंकि आईडीबीआई आरबीआई ने पहले क्या हुआ था कि आईडीबीआई का ओनरशिप जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गया आरबीआई से। अब आप बोलोगे आरबीआई भी तो गवर्नमेंट है, देखो एक तो डायरेक्टली आरबीआई के अंडर में रहना है ना, एक डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में रहना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और फिर आरबीआई ने ये आपकी जो बैंकिंग ऑपरेशन है, नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन, ये भी चालू कर दिए, है ना? तो ये मिक्स बैंक हो गई। तो ये ट्रू, इन ट्रू सेंस आईडीबीआई इज नॉट नॉट ए डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? अभी इसके बाद 1982, 1982 में आपने देखा होगा कि एक्सिम बैंक, नंबर वन एक्सिम बैंक और नंबर टू इसी के लगभग आपने नाबार्ड का भी नाम सुना होगा, नाबार्ड इज
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी जो नाबार्ड है उसका रोल इंडिया की जो जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा है कि नहीं? अभी जो डेवलपमेंट बैंक्स है जो आपको फोकस करने चाहिए वो है पांच, पांच नहीं चार, एक आने वाला है उसके ऊपर भी आपको फोकस जरूरी है। नंबर वन नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। फिर आपका सिडबी, सिडबी का नाम सुना है आपने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा फिर आपने एक्सिम बैंक सुना है, अभी मैंने बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक। ये क्या करती है, एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन करती है। अच्छा एक है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, है कि नहीं? चार हो गई, ये आरबीआई रेगुलेटेड है, ये चार है आरबीआई रेगुलेटेड। अच्छा पांचवी जो अभी आ रही है डिस्कशन में है वो है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का पार्ट है। और बाकी बस यही जान लो, ये सब डेवलपमेंट बैंक होती है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए और कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक्स चाहिए, ठीक है। अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बहुत न्यूज में है इंटरनेशनल लेवल पे। और आपने ब्रिक्स बैंक सुना क्या? ब्रिक्स बैंक क्या है ये सब क्या है? ये सब भी डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा चलो ओके, बाय बाय, लाइक करो शेयर करो। और वीडियो 10 मिनट का हो गया इसलिए मैं आगे वाले वीडियो में कुछ बात करूंगा इनके बारे में, ठीक है, या फ्यूचर में डिटेल में मुद्रा बैंक और वगैरह वगैरह के बारे में बात करूंगा।